इसके पहले वीडियो में पार्ट वन और पार्ट टू में हमने पिछले सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ड्स फॉलोइंग इन अ सेंटेंस। सो रिलेटिव प्रोनाउन हमें रिलेशनशिप शो करता है नाउन और सेंटेंस के बाकी वर्ड्स में। यूज टू जॉइन अ फ्रेज और क्लॉज विद अनदर इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग फ्रेज और क्लॉज को भी जॉइन करने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब यहाँ पे सेंटेंस में हम यूज देखेंगे, दिस इज द लेडी दैट आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ। सो यही वो लेडी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दैट यहाँ पे यूज हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमारा दिस इज द लेडी और आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। सेकेंड, वी कैनॉट फाइंड वॉट यू नीड, हम वो नहीं खोज पा रहे जो तुम्हें चाहिए। सो वी कैनॉट फाइंड यू नीड, इसमें हम लोग वॉट लगाए हैं ज्वाइन करने के लिए। सो वॉट इज द रिलेटिव प्रोनाउन, ही इज सच अ मैन एज अ रिस्पेक्ट। सो ये वैसा इंसान है जिसकी हम इज्जत करते हैं। सो एज यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इस सेंटेंस में ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। ओमिशन मतलब होता है कि सेंटेंस में वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ड है उसको हम हटाएंगे उसमें से। रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड व्हेन इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। सो रिलेटिव प्रोनाउन को हम कब सेंटेंस को ओमिट कर सकते हैं, जब वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। आर दीज द पेंटिंग्स टू विच यू वेर रेफरिंग। सो यहाँ पे ये सेंटेंस में ये जो है हमारा विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है। आर दीज द पेंटिंग्स यू वेर रेफरिंग टू। सो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि विच हमारा ऑमिट हो गया है, ठीक है। सो हमारा जो ऑमिट हुआ है वो वर्ड कौन सा है, विच, रिलेटिव प्रोनाउन। आर दीज द पेंटिंग्स, यहाँ से टू का जो पोजीशन है ये भी चेंज हो गया है और ये यहाँ लास्ट में आ गया है। सो इससे हमको ये पता चलता है कि जब भी सेंटेंस में से हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटाएंगे, उसको ओमिट करेंगे, तो हमारा जो प्रेपोजिशन वर्ड है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, द गर्ल अबाउट होम यू आर इंक्वायरिंग डजंट लिव हियर एनीमोर। सो यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस में होम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और अबाउट क्या है, यह है प्रेपोजिशन। सो अगर हम होम को ओमिट करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द गर्ल यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। सो अबाउट का पोजीशन यहाँ पे चेंज हुआ, द गर्ल यू आर इंक्वायरिंग अबाउट डजंट लिव हियर एनीमोर। सो इस सेंटेंस में हमारा होम जो था वो रिलेटिव प्रोनाउन था, अगर इसको ओमिट किए तो हमारा अबाउट जो है प्रेपोजिशन, उसका पोजिशन भी चेंज हो गया। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोजिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। सो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस में होता है वो हमारा होना कहाँ पे चाहिए, उसका पोजिशन क्या होना चाहिए, शुड बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू और नियर इट्स एंटीसीडेंट। सो रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस में आता है वो हमारा एंटीसीडेंट के जस्ट नेक्स्ट, उसके सामने या उसके पास में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई सेंट टू माई फ्रेंड अ बुके ऑफ फ्लावर्स हु वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो इसमें हमारा एंटीसीडेंट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड, क्योंकि वो जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो आया है ये हु हमारा फ्रेंड के लिए ही आया है, ठीक है। सो रिलेटिव प्रोनाउन हु रेफर्स टू फ्रेंड, सो शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू फ्रेंड। सो फ्रेंड जहाँ पे लिखा होगा इसके पास में या नेक्स्ट टू या नियर इसी के पास में रहना चाहिए हु। सो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, आई सेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू माई फ्रेंड कॉमा हु वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो इससे हमको पता चलता है कि फ्रेंड के लिए हु आया है। सो हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हमारे एंटीसीडेंट के जस्ट नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जॉइनिंग सेंटेंसेस विद रिलेटिव प्रोनाउंस, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हम लोग कोई भी दो सेंटेंस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट यू टू गेट देम फ्रॉम द मार्केट। सो यहाँ पे दो सेंटेंस है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट यू टू गेट देम फ्रॉम द मार्केट। सो इसको हम लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आई वॉन्ट यू टू गेट फ्रॉम द मार्केट। सो दैट की मदद से हम लोग कैसे ये सेंटेंस को ज्वाइन किए, यहाँ पे जो देम था ये हमारा सेंटेंस से रिमूव हो गया, हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू टू गेट फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द डील हैज बीन फाइनलाइज्ड, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वी वेर डिस्कसिंग इट यस्टरडे। सो द डील विच एक रिलेटिव प्रोनाउन, द डील कॉमा विच वी वेर डिस्कसिंग यस्टरडे हैज बीन फाइनलाइज्ड।
सो इस सेंटेंस को भी ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने इट को रिमूव किया है. सो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया विच और यहाँ पे आया दैट. सो हम लोग देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से भी हम लोग कैसे दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं. सो ये जो हमारा चैप्टर है प्रोनाउन, यहीं पे ये खत्म होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.